बान लग्योर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। बान लग्योर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सो वीर उपारो। ले गृह वैद्य सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसी रामायण में ये प्रसंग आ रहा है कि मेघनाद और लक्ष्मण के बीच जब युद्ध हुआ तब बाण लगे और लक्ष्मण थे, लक्ष्मण को एक बाण मारा मेघनाद ने और एकदम घायल कर दिया। प्राण तजे सुत रावण मारो, सुत रावण मतलब मेघनाद। तो उस समय भगवान राम बहुत विलाप करते हैं वहाँ पर कि लक्ष्मण मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनको किस तरह। यहाँ पर तो ये लिखा कि प्राण तजे, लक्ष्मण जी ने प्राण त्याग दिए। तो उस समय क्या किया हनुमान जी ने, लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तो विभीषण जी ने कहा उनको कि लंका में एक वैद्य है जिसका नाम सुषेण है। तो हनुमान जी सुषेण को उसकी डिस्पेंसरी के साथ उठा कर लेके आए, पूरा क्लिनिक और सुषेण को उठा कर लेके आए युद्ध भूमि में। अब आप सोचिए, सुषेण वैद्य जो था वो लंका का निवासी था, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण को जो उपचार करना था वो किया। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति का जीवन जो है उसे बचाना है। अब वो कौन सी तरफ है वो उसका ध्यान नहीं है, उनका कर्तव्य जो है वो कर रहे हैं। वो आजकल क्या होता है, वो डॉक्टर का एक हिपोक्रेटिस ओथ होता है ना, वैसा ही उस समय भी था। तो सुषेण आए और उन्होंने कहा कि एक संजीवनी बूटी चाहिए जो हिमालय में प्राप्त होगी और सूर्य उदय के पहले उसको लेकर आना पड़ेगा और लक्ष्मण को वो देना पड़ेगा, तब लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं या लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। लय गृह वैद्य सुषेण समेत तबय गिरि द्रोण सु वीर उपारो। पूरा पर्वत हनुमान जी लेकर आ गए। क्यों पूरा पर्वत लेकर आ गए, यहाँ पर लिखा है द्रोणगिरि पर्वत, क्योंकि जो औषधियाँ होती हैं वो सभी को दिखाई नहीं देती, वो प्रकट होती हैं औषधियाँ, और उसको पहचानने के लिए भी एक विशेष विद्या चाहिए। और उनको वो समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सी औषधि यहाँ पर होगी, और समय भी कम था एक्सपेरिमेंट करने का, जो है वो कोई अवसर भी नहीं था। अगर कुछ गलत लेकर आ गए तो वापस जाकर वापस लाना ये सब संभव नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, पूरा पर्वत उठाकर लेके आ गए। आनी सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। और फिर सुषेण वैद्य ने जो बूटी चाहिए थी वो सब निकाल कर लक्ष्मण जी को, उन्होंने सिर्फ उसका जो मिश्रण है उसको लक्ष्मण जी को केवल घ्राण कराया, मतलब उनको केवल सूंघा दिया उसको, और लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए। अब ये कथा आती है, ये तुलसी रामायण के अनुसार है। वाल्मीकि रामायण में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक अलग प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी दो बार संजीवनी लाते हैं, मतलब कितनी बार वो जाकर आए लंका से हिमालय तक। पहली बार जब वो जाते हैं वो एक्चुअली अगला श्लोक है,
अगला पद है यहाँ पर, और तुलसीदास जी ने कैरेक्टर्स बदल दिए हैं। वाल्मीकि रामायण में यह आता है कि सबसे पहले जब युद्ध होता है तब मेघनाद एक नाग अस्त्र का प्रयोग करता है, और नाग अस्त्र का प्रयोग करके भगवान राम नाग अस्त्र नहीं, मेघनाद जो है वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, और उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण क्या होता है, भगवान राम लक्ष्मण सब मूर्छित हो जाते हैं। सभी पूरी वानर सेना मूर्छित हो जाती है वहाँ पर, केवल जामवान और हनुमान रहते हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उन दोनों को वरदान प्राप्त है। पहले दिन हमने बात की थी ना, ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था उनको कि ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान जी को कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों केवल रह जाते हैं जो सचेत हैं। तब जामवान हनुमान जी से कहते हैं कि तुम जाओ और महोदर पर्वत पर, और ये वाल्मीकि रामायण में आता है युद्ध कांड में, सेवेंटी फोर्थ चैप्टर में। तो वहाँ पर जामवान उनको कहते हैं कि तुम हिमालय में जाओ और वहाँ पर सबसे ऊंचा जो पर्वत है महोदर पर्वत है, वहाँ पर तुमको स्वर्ण की जो आभा है वैसे आपको अलग अलग औषधियाँ मिलेंगी, और वो बराबर लोकेशन भी बताते हैं कि दो बड़ी बड़ी महान पर्वत की चोटियों के बीच में आपको एक पर्वत मिलेगा जो अग्नि के समान प्रज्वलित होगा, और उस पर बहुत सारी औषधियाँ होंगी, और वहाँ से हमको चार औषधियाँ मुख्य चाहिए। ये जामवान जी बता रहे हैं, ये चार औषधियाँ क्या हैं, मृत संजीवनी जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है, विशल्यकरणी जो कोई भी अस्त्र अगर लगा है व्यक्ति को उस अस्त्र को बाहर निकाल देगा, इट विल इजेक्ट द वेपन आउट। तीसरी सुवर्णकरणी जो अपने जो घाव होता है ना वो घाव को पूर्ण रूप से भर के वहाँ पर जो दाग होता है वो भी पूरा मिटा देगा, तो प्लास्टिक सर्जरी सब जो लोग करते हैं ना उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो दाग वाग सब लगा है सब निकल जाता है अपने आप, सिर्फ उसको सूंघने मात्र से। सुवर्णकरणी और संधानी जो फ्रैक्चर्ड जो पार्ट्स होते हैं बोन्स होते हैं उसको वो जोड़ देता है। तो ये चारों वो कहते हैं कि तुम इन चारों को लेकर वापस आओ। अब हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन ये पर्वत जो है वो सभी औषधियों को छुपा देता है, तो हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है और कहते हैं उस पर्वत से कि पर्वतराज तुमने सभी औषधियों को छुपा दिया है, ये भगवान राम के लिए है, भगवान राम का कार्य है, और तुमने ये उद्दंडता की है, मैं केवल ये चार औषधियाँ ले जाने वाला था लेकिन तुमने सभी औषधियाँ छुपा दी हैं, तो अब मैं तुमको पूरा का पूरा उखाड़ के ले जाऊँगा यहाँ से। उनको एकदम चेतावनी देते हैं, धमकी भी देते हैं, लेकिन वो पर्वतराज बहुत डरा हुआ है, तो फिर हनुमान जी ने पूरा पर्वत उखाड़ लिया और यहाँ क्या कहा कि दोनों हाथ में पकड़ कर वो लेकर आए, बैलेंस करके वो दोनों हाथ में पकड़ कर लेकर आए, और जैसे ही वो लाए पर्वत को तब तक पर्वतराज भी समझ गए थे, और उन्होंने भी देखा कि अरे ये तो भगवान राम है मूर्छित पड़े हैं यहाँ पर, तो उन्होंने भी सभी औषधियाँ प्रकट कर दी, और उन औषधियों के प्रभाव से सभी वापस सचेत अवस्था में आ गए। जितने वानर मर गए थे वो सब भी जीवित हो गए, और एक बहुत आश्चर्य की बात है कि रावण ने क्या किया था पता है आपको, जितने भी राक्षस मरते हैं ना रावण ने उन राक्षसों को दूसरे राक्षसों को ये इंस्ट्रक्शन दे के रखे थे कि जितने भी राक्षस मर जाएंगे उन सबको उठा उठा कर तुम समुद्र में डाल देना, क्योंकि बंदरों को पता नहीं चलना चाहिए कि कितने राक्षस मरे हैं, अगर वो राक्षस के शरीर वहीं पर पड़े होते ना तो वो सब जीवित हो जाते लेकिन सब के सब कहाँ पर हैं, वो
समुद्र में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने वानर थे वहाँ पर, जितने योद्धा थे, वो सब जीवित हो गए। हनुमान जी वापस गए इस पर्वत को वहाँ पर स्थापित करने के लिए। ये एक प्रसंग आता है, पहला प्रसंग युद्धकांड में, वाल्मीकि रामायण में। दूसरा प्रसंग आता है कि जब रावण का युद्ध हो रहा है भगवान राम और लक्ष्मण के साथ, तब रावण एक भाला लेकर ऐसा प्रहार करता है कि लक्ष्मण को पूरा भेद देता है, छेद एकदम उसके शरीर को वो भाला भेद कर जला जाता है। तब लक्ष्मण तो मर ही जाते हैं वहाँ पर, और उस समय भगवान राम बहुत 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 विलाप करते हैं कि वहाँ वो देखने लायक है वहाँ पर, कि भगवान राम क्या क्या कहते हैं कि मैं आता ही नहीं यहाँ पर, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे ऐसे प्राण त्याग हो जाएंगे, मैं अब क्या उत्तर दूंगा सुमित्रा माँ को, और अगर तुम नहीं हो तो मैं राज्य भी क्यों करूँ, तुम मेरे प्राण शक्ति हो, मेरे आधार स्तंभ हो, मुझे भी अपने प्राण त्यागने हैं। बहुत सारे ऐसे भावनाएं भगवान राम व्यक्त करते हैं, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुषेण जो है वो एक वानर ही है, उनके साथ ही चलते हैं सुषेण। तो भगवान स्वयं सुषेण को कहते हैं कि तुमको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूँ, अभी लक्ष्मण के बिना मैं जी नहीं सकता। तब सुषेण हनुमान जी से कहते हैं कि जो पर्वत जामवान ने तुमको बताया था वही पर्वत तुमको वापस लाना पड़ेगा, लेकिन केवल एक औषधि है जो इस प्रसंग में थोड़ी अलग है, तो वो नाम भी उसका बताते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम उसको लेकर आओ और विशल्यकर्णी, सावर्ण्यकर्णी, संजीवकर्णी और समधानी, ये चार जो हैं, इसमें सावर्ण्यकर्णी वो एक ही अलग है, बाकी सब सेम है पहले जो बताया था। तो हनुमान जी वापस जाते हैं, उसको लेकर आते हैं, और फिर सुषेण वैद्य जो करना है उपचार वो लक्ष्मण जी का करते हैं, और बाकी सब वानर जो हैं और भगवान राम एकदम प्रोत्साहित हो जाते हैं, और उसके बाद वानर जाकर पूरी लंका को भी जला देते हैं दूसरी बार। तो लंका का दहन भी दो बार हुआ वाल्मीकि रामायण में। संजीवनी पर्वत भी भगवान हनुमान जी दो बार लेकर आए। दो बार लेकर आए मतलब क्या, चार फ्लाइट्स हो गई उनकी, मतलब आठ बार। असंभव चीजें जो है वो हनुमान जी कैसे प्राप्त संभव कर देते हैं, वो ही देखने की बात है। अब ये कथा है, इसका सांकेतिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर तो लिखा है कि इंद्रजीत, जो इंद्रजीत हैं, अब इंद्रजीत शब्द का अर्थ एक तो होता है इंद्रजीत के दृष्टिकोण से, जिसने इंद्रियों पर संयम प्राप्त किया वो इंद्रजीत, रावण का बहुत ही शक्तिशाली एक पुत्र था। लेकिन इंद्रजीत हमारे लिए इसका अर्थ ये भी होता है कि जिसके मन का इंद्रियों पर वश नहीं है, इंद्रियों ने जिसके मन को जीत लिया है, जो इंद्रियों का दास है, ऐसा जो हमारा मन है वो विषय वासनाओं के जो बाण चलाता है हम पर, लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक हैं, भगवान राम ज्ञान का प्रतीक हैं। तो जब हम संसार में जीते हैं यहाँ पर, तो अलग अलग विषय जो हैं उनका प्रलोभन होता है, और अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है तो क्या होगा, हमारा जो वैराग्य है, एक साधक का भाव यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि एक साधक का जो वैराग्य है वो शिथिल हो जाता है। कितनी सारी कथाएं आती है पुराणों में भी कि विश्वामित्र जैसे महान संत महर्षि, वो भी मेनका के प्रभाव में आ जाते हैं। ये शकुंतला जो है, दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ, वो शकुंतला कौन है, वो विश्वामित्र और मेनका की कन्या है शकुंतला, और उनको फिर कण्व ऋषि ने गोद लिया और उनको बड़ा किया, उनका पालन पोषण किया। तो एक साधक के लिए
विषय जो होते हैं जीवन में, बहुत सारे प्रलोभन भी आप प्राप्त होते हैं, इसीलिए वैराग्य की ढाल होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होना चाहिए वैराग्य। यहाँ पर वैराग्य ही शिथिल हो गया है, तो इंद्रजीत का अर्थ यही होता है कि प्रलोभन के बाण जब चलाता है इंद्रजीत, तब वैराग्य शिथिल हो जाता है। तब हनुमान जी क्या करते हैं, वो गुरु का एक उनका रूप है कि वो जाते हैं संजीवन हिमालय पर, और पूरा जो है द्रोणगिरी पर्वत या महोदर पर्वत को उठा कर लाते हैं। तो वो पर्वत क्या है, वो पर्वत श्रद्धा का प्रतीक है, कि वो श्रद्धा का प्रतीक जब होता है कि शास्त्र में जो लिखा है, गुरु का जो वाक्य है, उसमें अगर हमारी श्रद्धा है और हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये कर्म करूँगा तो क्या मैं अपने गुरु को देख सकता हूँ बिना किसी लज्जा के, क्या उनकी आँख में आँख मिला सकता हूँ। इसलिए तुलसी रामायण में भी आगे आए, पहले आ चुका है एक्चुअली, विभीषण गीता में विभीषण जी को राम भगवान कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एक अभेद कवच है जो विप्र और गुरु पूजा रूपी कवच है। गुरु का जो संरक्षण होता है, गुरु की कृपा होती है और गुरु में जो श्रद्धा होती है एक साधक की, वो उसकी उसका एक ढाल बन जाता है, वो श्रद्धा एक ढाल बन जाती है, उसका एक कवच बन जाता है, और जो भी विषैले बाण होते हैं उन सभी से वो रक्षा करता है। इसीलिए गुरु की कृपा, गुरु की रक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है एक साधक के लिए, और इसलिए गुरु की आवश्यकता भी होती है। केवल किताब से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, और इसमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं भी आती हैं, और मन को एकदम सुरक्षित रखना पड़ता है क्योंकि प्रलोभन तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूरा जो पर्वत है वो श्रद्धा का पर्वत है, और इसमें जो चार औषधियाँ हैं वो किसका प्रतीक है, संजीवनी, खासकर संजीवनी भक्ति का प्रतीक है, मृत संजीवनी, जो मरे हुए व्यक्ति को भी वापस पुनर्जीवित कर देती है, भक्ति में वो शक्ति होती है। यहाँ पर भक्ति क्यों है ये, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य, भगवान राम और लक्ष्मण, तो ज्ञान जो है यहाँ पर इस पद में तो केवल लक्ष्मण जी के बारे में बताया है, लेकिन अगले पद में दोनों आएगा, राम और लक्ष्मण दोनों। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों शिथिल हो जाते हैं जब भक्ति एकदम दृढ़ नहीं होती। इसीलिए भागवत में हम आप देखते हैं कि भक्ति माता बहुत ही युवा अवस्था में है, और उनके पुत्र जो हैं वो ज्ञान और वैराग्य एकदम वृद्ध हो गए हैं, और भक्ति माता विलाप करती हैं कि अरे ये क्या हो गया, क्यों, क्योंकि बहुत जगह पर ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि नहीं होती। केवल भक्ति भाव में लोग सिर्फ भक्ति को एकदम जो पूजा है, अर्चना है, भजन है, इन सब चीज़ों तक सीमित रख देते हैं, और भगवान का स्वरूप क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये जो ज्ञान होता है वो ज्ञान का पालन नहीं करते, वैराग्य उत्पन्न नहीं करते, भोग विलास का जीवन जीते हैं। तो फिर भक्ति एकदम पुष्ट होती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के बिना। भागवत में भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हैं। यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य घायल हो चुके हैं, और उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या चाहिए, भक्ति चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वेदांत का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनको ये भाव होता है कि हम तो वेदांती हैं, हमको भक्ति मार्ग की आवश्यकता नहीं है, हम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत में मानते हैं, तो अगर हम ब्रह्म हैं तो हम किसकी पूजा करेंगे, क्यों करेंगे, और कौन है पूजा करने के लिए। अब ये सब जो जैसे खाना पचाया नहीं जाता ना, जब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, वैसा है ये, ज्ञान को ठीक से पचाया नहीं है, और इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, इसलिए मुझे पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन रसगुल्ला के सामने क्या होता है, सब ब्रह्म का भाव छूट जाता है। तो वो केवल एक बौद्धिक विचार है, या केवल उनके मन का एक मनन रहित जो ज्ञान है, उसके कारण उनके मन में बहुत सारे
गलत धारणाएं भी हैं। इसलिए संजीवनी भक्ति का प्रतीक है कि हमारे जीवन में अगर भक्ति का रस हो, भक्ति का आनंद हो, तो विषय आनंद से हमें बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भक्ति की एक श्रद्धा और भक्ति की एक ढाल है हमारे जीवन में। जिस व्यक्ति को भजन का आनंद आ जाता है ना, फिर भोजन के आनंद में उसको इतनी ज़्यादा रुचि नहीं रहती कि लालसा हो जाती है कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, क्योंकि भजन में बहुत आनंद आता है और वो एकदम स्वतंत्र आनंद है। भजन है, जप है, पूजा है, साधना है, इन सब में जो आनंद आता है वो सात्विक आनंद होता है, जो किसी भी विषय पर निर्भर नहीं होता, किसी भी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, तो एकदम स्वतंत्र एक आनंद होता है। और जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे उस आनंद का अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और व्यक्ति को उसके बाद साधना के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता कि अरे चलो उठो, इतनी साधना करो, इतनी माला जप करो, एक नियम बनाया हुआ है इसलिए करना पड़ेगा। ये सब अवस्थाएं व्यक्ति पार कर जाता है, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को आनंद आता है उस साधना के द्वारा। इसलिए भक्ति जो है वो मृत संजीवनी कहा गया है भक्ति को। और तुलसीदास जी स्वयं बोलते हैं तुलसी रामायण में आगे कि संजीवनी जो है उत्तरकांड में आता है कि संजीवनी का सांकेतिक अर्थ क्या है, वो है भक्ति। और ये भक्ति कौन लेकर आते हैं? गुरु लेकर आते हैं। अगर हमारी गुरु में श्रद्धा है तो श्रद्धा रूपी पर्वत जो है वो गुरु लेकर आते हैं। अगर हमारी गुरु में श्रद्धा है तो गुरु का कर्तव्य क्या है कि वो शास्त्र में श्रद्धा दिलाते हैं और ईश्वर में श्रद्धा करा देते हैं, ये गुरु का कर्तव्य है। अगर कोई गुरु है जो सबको अपने पास ही रखता है, अपना चेला बना के रखता है, अपने पर परतंत्र करता है, तो वो गुरु है ही नहीं, क्योंकि गुरु केवल व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने के लिए ही आते हैं। और जो स्वयं सिद्ध पुरुष हैं उनके मन में तो कोई भ्रम होने वाला है नहीं, वो तो व्यक्ति को हमेशा शास्त्र और ईश्वर से जोड़ ही देते हैं। उनको अपनी महत्वाकांक्षा कोई होती नहीं कि मेरे इतने चेले होने चाहिए, मेरे इतने आश्रम होने चाहिए, ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जो ऐसे सिद्ध नहीं होते उनको सतर्क रहना चाहिए, और उनके सानिध्य में जो आते हैं उन सबको भी सावधान रहना चाहिए कि ये हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। हमारे गुरुदेव हमको ये आग्रह करते थे कि सबके हाथ में ग्रंथ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों को जब गुरुदेव ने हमारे हाथ में पकड़ा दिया तो एक जो मैप है वो हमको दे दिया है कि वो मैप देखकर हम स्वयं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। गुरु का कर्तव्य यही है, और मैप दे दिया और भगवान से भी जोड़ दिया, गुरु तत्व से, गुरु परंपरा से भी जोड़ दिया, ये गुरु का कर्तव्य होता है। और यही हनुमान जी भी यही करते हैं कि श्रद्धा रूपी पर्वत को लाते हैं और उसमें जो चार औषधियां हैं वो भक्ति का प्रतीक हैं, और उसके द्वारा व्यक्ति के मत जीवन में एक प्राण वापस आ जाते हैं। एक तुलसीदास जी तुलसी रामायण में एक बहुत सुंदर दोहा जो लिखते हैं चौपाई, भक्तिहीन नर सोवह कैसा, बिनु बारिद जल सोहै तैसा। भक्तिहीन जो व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो उस बादल के समान है जो कभी बरसता ही नहीं है, जिसमें पानी ही नहीं है, केवल थोड़ी बाष्प है और वो हवा में इतर इतर हो जाती है। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिनु बारिद जल देखिया तैसा। वो दिखता है बादल के रूप, बादल के समान, लेकिन उसमें से किसी को कोई लाभ नहीं होगा, कोई वर्षा नहीं होगी, किसी का कोई लाभ होगा ही नहीं। इसी तरह व्यक्ति के जीवन में जब भक्ति नहीं होती तो अहंकार बहुत तीव्र होता है। केवल भक्ति है जिसके कारण हमारा अहंकार समर्पित होता है। तो इसलिए अब ये भक्ति ने वैराग्य को भक्ति से वैराग्य वापस पुष्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए कि
कि वैराग्य को दृढ़ कैसे किया जाए। जितना हम भक्ति भाव उत्पन्न करेंगे उतना वैराग्य भी उत्पन्न होगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं वो तो ज्ञान मार्ग है, उसमें तो बहुत मुश्किल है, विवेक वैराग्य ये सब हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा, हम तो भक्ति मार्गी हैं, हम तो भगवान का श्रृंगार करते हैं, हम तो 56 भोग चढ़ाते हैं, हम तो ध्यान पूजा और भजन करते हैं, हमारी तो साधना में इतना सारा क्या कहते हैं, सभी इंद्रियों को हम एंगेज करते हैं, वैराग्य में सभी इंद्रियों को हमें निवृत्त करना होता है, यहाँ पर हम उनको प्रवृत्त करते हैं, इतना प्रशस्त मार्ग है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये केवल शुरुआत में होता है। आप देखिए कितने जितने भक्त हैं उन सभी के जीवन में, जितने महान भक्त हैं उतने ज्यादा उनका जीवन में उनका वैराग्य भी उतना ज्यादा होगा। रामकृष्ण परमहंस को देखिए कितना वैराग्य उनके जीवन में, एक सुवर्ण मुद्रिका भी अगर उनके तकिए के नीचे जब विवेकानंद जी ने रखी थी और उनका सर उन्होंने तकिए पर रखा तो तुरंत उठ गए, बोले क्या है इसके नीचे, क्योंकि वो कामिनी कांचन कीर्ति के बारे में कहते थे कि इन तीनों से एक साधक को बचना चाहिए। कितना परम वैराग्य उनके जीवन में। प्रहलाद को भी आप देखिए, ध्रुव को देखिए, कितने सारे भक्त हो गए। भक्ति जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वैराग्य भी उत्पन्न होगा। तो भक्ति को दृढ़ करना है तो वैराग्य अपने आप दृढ़ हो जाएगा। एक साधन है वैराग्य को दृढ़ करने के लिए, वो है भक्ति। दूसरा साधन वैराग्य को दृढ़ करने के लिए क्या है, वो है विवेक। जितना हम विवेक करेंगे उतना वैराग्य उत्पन्न होगा, क्योंकि जो नश्वर है उसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं, वो तो हमारे हाथ में लगने वाला है ही नहीं। जो कर्तव्य करना है वो हम करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो लालसा होती है, उसमें जो आसक्ति होती है, तो विवेक जितना हम करेंगे, नित्य अनित्य विवेक, तो क्या होगा, नित्य के प्रति भावना उत्पन्न होगी और अनित्य के प्रति वैराग्य होगा। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं गीता में, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमाम। इस अनित्य और असुखी लोक को प्राप्त करके तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके पीछे मत भागो हे अर्जुन, भजस्वमाम मेरी भक्ति करो। अनित्य जीवन को नित्य की प्राप्ति के लिए जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। अनित्य के आधार पर अगर हम जिएंगे कि अनित्य ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अनित्य का उपयोग नित्य को प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए, और वो केवल मनुष्य जन्म में हो सकता है, और इसलिए विवेक की बहुत आवश्यकता है। अब सृष्टिकर्ता ने कह दिया कि अनित्यम असुखम लोकम, कि मैंने ये जो सृष्टि की रचना की है, ये लोक जो है ये सभी के सभी अनित्य हैं, और इसमें सुख भी नहीं है। अब अगर किसी फोन बनाने वाले कंपनी ने ये बता दिया कि आपका फोन जो है वो 4G का मॉडल है, इसमें 5G नहीं आ सकता, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि कहेंगे कि नहीं 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 मैं तो प्रयास करके ही रहूंगा, इसमें तो 5G मिलेगा ही, जो कुछ होना चाहिए उसके लिए मैं करूंगा, लेकिन इसमें 5G प्राप्त कर ही रहूंगा। अरे हो ही नहीं पाएगा, वो यंत्र में वो क्षमता ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में कोई सुख नहीं है, लेकिन नहीं नहीं स्वामी जी हम तो सुख ढूंढ कर ही रहेंगे, इधर आपको क्या पता है, मूवी का सुख है, खाने का सुख है, 5-स्टार का सुख है, ये सुख है, वो सुख है, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि कोई सुख नहीं है यहाँ पर, आपका व्यू पेसिमिस्टिक है, इसीलिए मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता, कहाँ सुख नहीं है, जहाँ देखो सुख ही सुख है। उस थोड़े समय के बाद वही व्यक्ति दुखी होकर आता है, स्वामी जी बहुत तनाव हो गया, मन की शांति नहीं है, शांति कहाँ से प्राप्त होगी। अरे भगवान ने पहले ही कह दिया कि अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमाम, जो यहाँ पर हम अनुभव करते हैं उन सबका हमें आत्मनिरीक्षण करके यही सार निकालना है कि यहाँ पर कोई सार ही नहीं है। इसीलिए जो लोग जो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, वो प्याज नहीं खाते, क्यों,
क्योंकि वो प्याज एक तो तामसिक होता है, लेकिन आप जितना उसको छीलेंगे, निकाल निकाल कर, लेयर्स निकाल निकाल कर, अंदर क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं है अंदर। और वो जब आप लेयर्स निकालेंगे तो क्या होता है? व्यक्ति रोता है, अश्रु आते हैं। संसार प्याज के समान ही है। क्यों? क्योंकि ये संसार में जितना हम जीते हैं उतना दुख ही प्राप्त होता है, और संसार का प्रयोजन ये है कि हमको वैराग्य प्रदान कर दे। अगर संसार में डिसिल्यूशनमेंट होती है तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान ने बहुत जल्दी हमको संसार का स्वरूप क्या है वो दिखा दिया, और हम जागृत हो गए और हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की तरफ मुड़ सकते हैं। जितना हम अगर संसार में आसक्त होते हैं उसका मतलब है भगवान अपनी माया अपने हमारे ऊपर लगा रहे हैं, और हम आसक्त होंगे और इसका परिणाम कहीं ना कहीं दुख होने वाला ही है। तो वैराग्य दृढ़ करना हो तो भक्ति की आवश्यकता होती है, विवेक की आवश्यकता होती है। और विवेक कहाँ से प्राप्त होता है? सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, सत्संग के बिना विवेक होता ही नहीं। केवल सत्संग में ये कहा जाता है ना कि संसार में सुख नहीं है, बाकी पूरी पूरा संसार तो हमको क्या कह रहा है कि सुख हम में ही है, आ जाओ। और सत्संग में भी विवेक कब उत्पन्न होगा? जब एकाग्रता से हम सुनेंगे, और जब हम कर्मयोग की साधना कर कर फिर सत्संग में बैठते हैं तो चित्त शुद्ध होता है। उस शुद्ध अंतकरण से जब हम सुनते हैं तब अनायास वैराग्य उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है। इसलिए आप सब यहाँ पर जो आए हैं, बहुत अच्छा किया आपने यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पर एकाग्रता से तो आप श्रवण कर सकते हैं ना। जो ऑनलाइन करते हैं ना कई बार, वहां पर एकाग्रता कभी कभी संभव नहीं होती, कभी हो जाती है कभी संभव नहीं होती। घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कहीं कुकर की सीटी चल रही है, कोई वापस आता है कि अरे भाई ये फोन अटेंड करो, कैसे श्रवण होगा? और एकाग्र मन से श्रवण नहीं होगा तो किस तरह व्यक्ति को उसका लाभ होगा? तो विवेक चाहिए, भक्ति चाहिए और धर्म चाहिए। धर्म ते विरति, तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, अपना धर्म का पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है, उसके जीवन में अवश्य ही वैराग्य उत्पन्न होगा। और वैराग्य का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर वन में चला जाएगा। वैराग्य का अर्थ ये होता है कि राग जो है हमारे जीवन में और द्वेष है वो दोनों शिथिल हो जाते हैं। राग का ऑपोजिट द्वेष होता है, राग का ऑपोजिट वैराग्य नहीं होता। राग और द्वेष की शिथिलता जो होती है उसको वैराग्य कहते हैं। और जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, हमको अच्छा लगे या ना लगे, जो हमें करना है वो जब हम करते हैं, तो हम अपने मन को एकदम नियंत्रित करते हैं कि राग और द्वेष के प्रभाव में ना आए। गीता में भगवान ये कहते हैं कि राग द्वेष व्यवस्थितौ इंद्रियस्य इंद्रिया इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ। जब हम इंद्रियों से इंद्रिय विषयों का सेवन करते हैं तो उसमें राग द्वेष उत्पन्न होता है, और इंद्रियों का विशेष राग होता है। किसी को कॉफी पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को फल पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, ये सब इंद्रियों का, हर एक व्यक्ति का एक राग और एक द्वेष होता है। करेला का जूस नहीं चाहिए, ये युवा वीर यहाँ पर बैठे ना, उनको एक एक्सरसाइज हम कराते हैं, एक दिन करेले के भजिए देते हैं बहुत अच्छे, और करेले का जूस, और उसके बाद केक भी देते हैं सब साथ में। उनका मुंह देखने लायक होता है सब लोगों का जब करेले का जूस और करेले का भजिया खाते हैं तब, क्योंकि वो एक द्वेष होता है, मुझे नहीं चाहिए, राग और द्वेष। तो भगवान क्या कहते हैं उसमें? तयोर न वशम आगच्छेत, उसके वश में नहीं आना है अर्जुन। तौहियस्य परिपंथिना, वे तुम्हारे सुख का, तुम्हारे शांति का ह्रास करेंगे। तो राग और द्वेष को शिथिल कैसे किया जाए? उसके लिए ही धर्म होता है, कर्तव्य होता है। अर्जुन को तो अच्छा नहीं लग रहा था ना कि उसको युद्ध करना है, वो राग था उनका भीष्म और द्रोण के प्रति, और दुर्योधन और दुशासन और शकुनी इनके प्रति द्वेष था। लेकिन भगवान ने क्या कहा अर्जुन को
कि ततो युद्धाय युज्यस्व, तुमको युद्ध करना है क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, राग द्वेष को छोड़कर तुम्हें युद्ध करना है। अगर अर्जुन वहां से भाग जाता तो उसका राग बढ़ जाता, उसका द्वेष बढ़ जाता, लेकिन वो वहां पर रहा और उन्होंने युद्ध किया, उससे क्या हुआ, राग और द्वेष एकदम उसके शिथिल हो गए। जितना राग द्वेष शिथिल होगा उतना वैराग्य उत्पन्न होगा। इसलिए हमारे जीवन में अगर हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी उसका परिणाम क्या होना चाहिए, ज्ञान सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस सत्संग के ज्ञान से विवेक उत्पन्न होना चाहिए, और विवेक का फल जो है वो वैराग्य होता है। अगर वैराग्य नहीं हुआ, राग द्वेष शिथिल नहीं हुए, तो फिर वो ज्ञान केवल बौद्धिक ज्ञान है और केवल बोझा है। फिर शंकराचार्य कहते हैं कि वो एक उदाहरण देते हैं, जो गधा होता है वो सोने के जो सोने की ईंट अपने पीठ पर लेकर चल रहा है, क्या उस गधे को उस सोने की ईंट का मूल्य पता है? नहीं पता। उसके लिए क्या है, वो श्रम मात्र एव, वो केवल एक श्रम है, वो परिश्रम कर रहा है, कुछ बोझा उठा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा रहा है, और कोई उसका अर्थ नहीं है। तो इसलिए ये जो संजीवनी है वो भक्ति है, और हनुमान जी यहाँ पर गुरु का रूप धारण करके आए हैं। तो हमारे जीवन में यही प्रार्थना होनी चाहिए कि संकट जो होता है और उसके कारण जो दुख होता है वो क्यों, जब वैराग्य शिथिल हो जाता है तब दुख होता है। अगर किसी का वैराग्य प्रबल है तो भारी से भारी समस्या और दुख में भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करेगा और उस दुर्घटना को भी या दुखद परिस्थिति को भी साधना के लिए एकदम वैराग्य के रूप में उसका परिवर्तन कर देगा, नकारात्मक नहीं बनेगा। जब दुखद परिस्थिति आती है तो हमारे गुरुजी क्या कहते हैं कि डोंट बिकम बिटर, बिकम बेटर। तो बिटर नहीं बनना है, वो दुखद परिस्थिति को हमें एक वैराग्य के लिए, वैराग्य का स्रोत बना देना चाहिए। जब सिद्धार्थ ने देखा, एक मृत व्यक्ति था, एक वृद्ध व्यक्ति था, एक रोगी व्यक्ति था, ये हम भी देखते हैं कई बार, लेकिन हम में वो वैराग्य क्यों उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि विवेक किया है सिद्धार्थ ने और बार बार जाकर उस पर मनन किया कि अगर यही जीवन का सत्य है तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं। और उन तीनों के उपरांत सिद्धार्थ ने उस दिन एक सन्यासी को भी देखा था जिसने मुंडन किया था, उसने उस समय के पूर्व कभी किसी सन्यासी को नहीं देखा क्योंकि उसके पिता ने उनको इतना सुरक्षित रखा था। उस सन्यासी ने उनको कहा कि केश जो हैं वो इच्छाओं का प्रतीक होते हैं, देहात्म भाव का प्रतीक होते हैं, और ये इच्छाएं व्यक्ति को एकदम दुर्बल बना देती हैं और संसार से बांध कर रखती हैं, और इसीलिए त्याग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है परम आनंद को प्राप्त करने का, इच्छाओं का त्याग, अहंकार का त्याग। अब ये ज्ञान जब उनको प्राप्त हुआ तब उन्होंने बार बार उस पर मनन किया, उनको विवेक हुआ, विवेक से वैराग्य हुआ, उन्होंने ग्रह का त्याग किया और सन्यासी बने, साधु बने। फिर भी बहुत साल तक उनको तपस्या करनी पड़ी, तब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो इसलिए ये हनुमान जी यहाँ पर वैराग्य को दृढ़ करने के लिए गुरु के रूप में संजीवनी नामक भक्ति लेकर आते हैं।